आज के टाइम में हर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ओवर एक्सर्शन है। हर इंसान उस रेस में भागा हुआ है कि यार हमें जीतना है, लेकिन नींद जो है वो पूरी खो चुकी है। शायद ही कोई इंसान होगा जिसने बोला होगा कि यार मैंने बहुत अच्छे से नींद ली या मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। आज की जो वीडियो है ना, वो इस चैनल पे पहली बार आ रही है जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है। हर इंसान को स्ट्रेस है, हर इंसान को एंजाइटी है, जैसे कि मैंने बताया नींद नहीं आती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा मास्क बताने वाली हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। अब बाल कहाँ से आ गए? क्योंकि भाई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, नींद नहीं आ रही, तो हेयर फॉल है ही है। लेकिन एक ऐसा मास्क जिसको लगाने से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रेस कम होगा और बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, थिनिंग जो है रिवर्स हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप दोबारा से जिंदा हो जाओगे। हर इंसान चाहता है कि उसकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे, लेकिन सोचिए कि अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है तो आप ठीक रह नहीं सकते। और 90% हमारे यूथ जो है यंग एज में गंजा हो रहा है, फीमेल्स में बाल्डनेस आ रही है, एलोपेशिया एरेटा, टीनिया इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई है, व्हाइट हेयर होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बाकी फैक्टर्स भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है, लेकिन स्ट्रेस जो है 90% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? छोटे होते थे ना तो मम्मी बोलती थी याददाश्त जो बढ़ जाएगी ब्रह्मी ले ले, शंख पुष्पी ले ले। ऐसे ही आज मैं आपको 3 प्लांट्स के मिक्सचर बताने वाली हूँ जो आपके बालों को ना जिंदा करेंगे और आपके बाल ना लिटरली आपको आके बोलेंगे शुक्रिया इन्हें इतना जिंदा करने के लिए, सिल्की करने के लिए, और माइंड आपको बोलेगा शुक्रिया मुझे रिलैक्स करने के लिए। अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको बालों को झड़ने नहीं दूंगा, मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं उनको प्रिवेंट करूंगा और मैं उनको क्योर करने में हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ब्रह्मी का तेल लेना है। ब्रह्मी तेल से हफ्ते में 3 बार मालिश करनी है, और जो बॉयज है वो तो रोज भी कर सकते हैं, जैसे डेली कर लिया सुबह उठ के बाल धो लिए। अगर गर्ल्स हैं, आप ऑफिस जाना है, डेली हेयर वॉश में दिक्कत है, तो आप एक एक दिन छोड़ के ब्रह्मी तेल से प्रॉपरली मसाज करो, ठीक है। मसाज करने के बाद इस तरह से पूरे अपने बालों पे, इस तरह से पूरे हेयर पे प्रेशर दो, जो आपका ये एरिया होता है ना टेम्पोरल रीजन, यहाँ पे मसाज करके ना पूरा इस तरह से फिर प्रेशर ऐसे पूरा, ठीक है। ये पूरा आपने प्रेशर देना है और हल्की हल्की ऑयलिंग करती जानी है। और जब आपने ऑयलिंग कर ली उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे हाथ लेने और इस तरह से पूरा इस तरह से वाइब्रेशन आपको प्रोड्यूस होनी चाहिए, कम से कम 2-3 मिनट आपको ऐसे करना है, ये जैसे हम थप्पड़ मारते हैं ना बच्चों को, ये जो वाइब्रेशन है ना ये एकदम से सर्कुलेशन को बूम कर देती है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है, मेमोरी बूस्ट होती है, स्ट्रेस एकदम से रिड्यूस हो जाता है, जितना भी ओवर थिंकिंग है, हेडेक है, वो एकदम से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑयलिंग करिए फिर से इस तरह से, जैसे हम थप्पड़ मारे जितना फोर्सफुली हम टॉलरेट कर सकते हैं, ताकि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो और आपको वो फील हो। दूसरा क्या करना है, पंसारी के पास जाना है, उसे बोलना है हमें ना ब्रह्मी चाहिए थोड़ी सी और शंख पुष्पी चाहिए, ठीक है। और उसको क्या करना है, आपने 100-100 ग्राम लिया हो, एक एक पाव लिया हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसका घर पे आप पीस के पाउडर बना लो, ठीक है। उसमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ब्रह्मी अगर आप 2 चम्मच ले रहे हो तो शंख पुष्पी भी 2 चम्मच या एक एक डिब्बा बना के रख लो। उसमें आपको क्या ऐड करना है, थोड़ा सा डालना है तिल का तेल और बाकी पानी, और उसका आप मिक्सचर बना के बालों में इस तरह से पार्टीशन करते जाओ और लेप लगाते जाओ, पार्टीशन करते जाओ, लेप लगाते जाओ, और पूरा रूट से लेके जितनी भी आपकी एजेस है वहाँ तक आपको पूरा उस लेप को लगाना है इस तरह से। और फिर उस लेप को पूरा जब आपने लगा लिया उसके बाद जेंटली इस तरह से मसाज स्टार्ट करनी है लेप के साथ, इस तरह से पूरा इस तरह से, जो आपके बालों में डेंड्रफ है वो रिवर्स होगी, ड्राइनेस खत्म होगी, नींद अच्छी आएगी और बालों की ग्रोथ इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगी। वो जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि यार सालों से बाल नहीं बढ़े, ट्रिमिंग भी करवाती हूँ तब भी ग्रोथ बड़ी मुश्किल से इतनी सी हो पाती है, वो ग्रोथ यहाँ से ऑटोमेटिकली रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो अब आप लोग बताना कि आज तक किस किस ने ये रेमेडी फॉलो की है या सुना है या किसी ने आपको बताया है, और क्या आपको रिजल्ट मिला है। और जब आप लोग इस रेमेडी को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस चैनल पे ऐसी रेमेडीज हो जो आपको कहीं और ना मिले, आपको उसका बेनिफिट जो है 10 टाइम्स मिले,
जो मेरा मोटिव है, अगर मैं एक सोच के चल रही हूँ तो आपको 10 बेनिफिट मिले ताकि मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिले अगली बार और अच्छी वीडियो लेके आनी है। मास्क लगा लिया, अब दो ऑप्शन है, या आप कम से कम 2-3 घंटे लगा के रखो और धो लो, या फिर पूरी रात आप लगा के रख सकते हो क्योंकि अभी समर्स है, गर्मियां हैं तो किसी को दिक्कत नहीं, आप शार कैप लगा के सो जाओ और कीप इट ओवरनाइट, या फिर 3 घंटे। इस मास्क को भी हफ्ते में कम 2-3 बार आप लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑयलिंग कर लो 3 दिन आप इसे कर लो, 15 दिन 1 महीने तक रेगुलर फॉलो करो, उसके बाद आप इसके ड्यूरेशन को डिक्रीज कर सकते हो। जैसे ऑयलिंग 2 बार कर ली, मास्क 2 बार लगा लिया, ऑयलिंग 1 बार कर ली, मास्क 2 बार लगा लिया, ऑयलिंग 2 बार कर ली, मास्क 1 बार लगा लिया, जैसे भी आपको फॉलो, ये कोई भी आप इसमें से रूटीन फॉलो कर सकते हो, बट जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो इतना अमेजिंग मिलेगा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी, ऑयल बताया और ये मास्क बताया, लास्ट चीज़ जो आपको इनटेक करनी है वो है ब्रह्मी का पाउडर या जूस। ब्रह्मी पाउडर, ब्रह्मी वटी या जूस, तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। एक एक टैबलेट आप सुबह शाम ले लीजिए, ठीक है। पाउडर लेना है तो 1 चम्मच सोने से पहले आप ले लीजिए, जूस ले रहे हैं तो 2-2 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। ये इतना बढ़िया काम करेगा ना भाई, और ये आपके सर से लेके पैर तक सारी बॉडी को ही सेटल कर देगा, क्योंकि माइंड रिलैक्स, बाल बढ़िया, चेहरे पे ग्लो आएगा, नींद पूरी होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनमें क्या होता है, आंखें बंद हैं, ऐसे आप सो रहे हो, आंखें यहाँ से घूम रही हैं और दिमाग सुपर एक्टिव है, दिमाग में से पूरी कहानियाँ चल रही है, मतलब आंखें बंद और ऐसे ऐसे पूरा ऐसे लग रहा है कि हाथ हिलाते जाओ और फिल्म चल रही है पूरी। इस इमेजिनरी, दैट फैंटेसी वर्ल्ड, इससे हमें बाहर निकलना है। कई बार तो क्या होता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि हम नींद में ना पूरी हैंड्स के ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं। हम ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियरली डिप्रेसिव हो, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है लेकिन डिप्रेशन बहुत है साथ में, तो आप डिप्रेशन का इलाज करवाओ। हम हमेशा सुनते हैं कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो सकता, एंजाइटी, पैनिक अटैक, शाइजोफेनिया, OCD, और मैं बोलती हूँ बिल्कुल ठीक हो सकता। आप एक बार मेरे पास आओ और 6 महीने बाद यहाँ से खुश होकर चले जाओ, ठीक है। 6 महीने में मैं आपको इतना सेटल कर दूंगी कि वो कम से कम 50% 60% इतना रिवर्स हो जाएगा और एलोपैथी कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप ओवरकम कर दोगे। हमेशा हर इंसान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो उसकी ज़िंदगी में उसको कामयाब करने में या बर्बाद करने में, उसकी हेल्थ को परफेक्ट रखने में या डिटेरेट करने में, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है उसके विल पावर। जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो ये अब आपको सोचना है कि आपको अपने साथ क्या करना है, कैसे करना है, और जो मैंने ये रेमेडी बताई आप एक बार फॉलो करना, आप बोलोगे कि आज के कलयुग में जो सतयुग में अमृत था वो ये रेमेडी है। तो बस आप बच्चों में भी कर सकते हो, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी। डोज का यहाँ रहेगा, जैसे बच्चे हैं जो 5 साल तक के हैं उनमें आप ब्रह्मी वटी की सिर्फ 1 गोली दो, जो 10 साल के बच्चे हैं उनमें भी आप 1 गोली और साथ में जूस के 2 चम्मच स्टार्ट कर दो, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे उनमें या तो 1-1 गोली सुबह शाम दे दो, या तो 1-1 चम्मच सुबह शाम दे दो, या आधा-आधा चम्मच पाउडर का दे दो, ये उनकी डोज रहेगी। 20 साल से ऊपर में आप तीनों में से कुछ भी स्टार्ट कर दो, या 1-1 गोली, 2-2 चम्मच जूस, या 1-1 चम्मच पाउडर, या 1 चम्मच, अपनी डोज आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैक्सिमम डोज जो जूस की है वो 60 ml से ज़्यादा एक दिन में आप नहीं बढ़ाओगे। जो टैबलेट है अगर वो 250 mg की है तो 1000 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अगर पाउडर है 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस ये आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको प्योर फॉर्म में भी लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जूस अवेलेबल नहीं है बट टैबलेट और पाउडर अवेलेबल है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैं आउट ऑफ द ट्रैक जाके बात कर रही हूँ प्योरिटी की। जैसे ब्रह्मी अगर आप मार्केट में जाओगे आपको मिलेगा 400 रुपये की 60 गोलियाँ भी मिलेंगी, ठीक है, आप देखना अलग अलग कंपनीज़ की, किसी जगह पे 1000 रुपये में भी मिलेंगी, ठीक है, पाउडर भी जूस भी। प्योरिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है, ग्लू कितना यूज़ करें। ऐसा क्यों मैंने बताया, क्योंकि हमारे साथ एक बार हुआ, हमारा मुलेठी पाउडर है, मार्केट में मुलेठी पाउडर 250-300 रुपये का आता है, हमारा पहले 800 रुपीज़ का 100 ग्राम था, 500 का है, क्योंकि उसमें जो था हम इम्पोर्ट जैसे प्योर उसमें कर रहे थे, अब हम मुलेठी उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, 500 उसकी कॉस्टिंग है, ठीक है। वो इतना प्योर फॉर्म में है, फाइन पाउडर है, जो हम मार्केट से ले रहे हो वो इतना दरदरा है, किसी को रैशेज हो रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे प्योरिटी का अंतर ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 10 गुना मार्जिन लेके चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है,
तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हो कि किस कंपनी की अच्छी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब भी आप मास्क लगाएं, तेल लगाएं, नेक्स्ट डे आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कभी भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, पेशेंस रखना है। हमारे यहाँ पे जो रिवर्ट का टाइम है वो कम से कम 3 से 4 दिन तो है अब, क्योंकि हर पेशेंट को हमें वक्त देना पड़ता है। पेशेंस रखिए, आपको जरूर रिवर्ट आएगा। और प्लीज नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें कि एक दिन रिप्लाई नहीं आया, गूगल पे जाके डाल दिया रिवर्ट नहीं आया। हम कोई सब्जी मंडी में नहीं है कि आज सब्जी फ्रेश आई और बेचनी है। हम एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो पेशेंस रखना है ताकि आपकी कोई भी हिस्ट्री मिस ना हो और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।